दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि यदि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो तो आप कैसे बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। दोस्तों आपने न्यूज में भी देखा होगा कि जो लोग कोरोना वायरस के शिकार हुए हैं उनमें से 80% लोग ऐसे हैं जिनकी एज 45 साल से ऊपर है, मतलब यह कोरोना वायरस कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों पर अटैक करता है। तो यदि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो यह कोरोना वायरस आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ऐसे 10 चीजों के बारे में बात करेंगे जिनके सेवन से आपका इम्यून सिस्टम काफी स्ट्रांग हो जाएगा और यह खतरनाक वायरस से आप बच सकते हैं। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। तो मैं हूं शिवम और आप देख रहे हैं मेडिकल मंत्रा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर एक, खट्टे फल। अधिकतर रोगों में डॉक्टर मरीज को सिट्रस फूड यानी खट्टे फल खाने की सलाह देता है। विटामिन से इम्यून सिस्टम बढ़ाता है और कोल्ड कफ से लड़ने के लिए शरीर को मजबूत बनाता है। सिट्रस फूड में अंगूर, संतरे, नींबू आदि आते हैं। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको इन सब फलों का सेवन नियमित रूप से करना चाहिए। नंबर दो, ब्रोकली। ब्रोकली में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई के साथ कई अन्य एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर पाए जाते हैं। ब्रोकली सबसे सेहतमंद सब्जियों में से एक है। इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट और कई अन्य पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। नंबर तीन, अदरक। अदरक में भी कई तरह के एंटीवायरल तत्व पाए जाते हैं, इसीलिए अपने खाने पीने की चीजों में इसका सेवन जरूर करें। सौंफ या शहद के साथ इसका सेवन करने से इसका परिणाम और भी बेहतर हो जाता है। दिन में 3 से 4 बार अदरक का सेवन करने से आपका इम्यून सिस्टम काफी स्ट्रांग हो जाता है। नंबर चार, लहसुन। लहसुन में भी कई तरह के एंटीवायरल तत्व पाए जाते हैं। सूप या सलाद के अलावा आप इसे कच्चा भी खा सकते हैं। 1 चम्मच शहद के साथ लहसुन का सेवन करने से आपका इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में काफी मदद मिलती है। नंबर पाँच, पालक। पालक में न सिर्फ विटामिन सी बल्कि कई अन्य एंटीऑक्सीडेंट और बीटा कैरोटीन भी होते हैं जो हमारे शरीर के संक्रमण से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। ब्रोकली की तरह पालक भी उतना ही फायदेमंद होता है। इसके पोषक तत्व को बनाए रखने के लिए इसको पूरी तरह से ना पकाएं। दोस्तों यहाँ तक आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप समझ ही गए होंगे कि जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं वो सब चीजें आपको अपने घर में आसानी से मिल जाएंगी। तो दोस्तों जानते हैं कि अगली 5 चीजें ऐसी कौन सी होती है जिनके सेवन से आपका इम्यून सिस्टम काफी स्ट्रांग हो जाएगा। दोस्तों बात करें नंबर 6 की तो नंबर 6 में हम लोग बात करेंगे हल्दी की। हल्दी को सबसे सेहतमंद मसाला माना जाता है। हल्दी में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं। हल्दी में पाया जाने वाला करक्यूमिन मांसपेशियों की रक्षा करता है और इसे मजबूत बनाता है। नंबर 7, पपीता। दोस्तों पपीता इस टाइम आपको बहुत ही आसानी से हर जगह मिल जाएगा। इसमें विटामिन सी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी के अलावा इसमें पेपेन पाया जाता है जो एक पाचक एंजाइम होता है। पपीते में पोटेशियम, विटामिन बी और फोलेट की अच्छी मात्रा होती है जो पूरे शरीर के लिए फायदेमंद होता है। नंबर 8, नारियल का तेल। दोस्तों घर में खाना बनाते समय सरसों का तेल या रिफाइंड की जगह नारियल का तेल इस्तेमाल करना बहुत ही फायदेमंद होता है। इसमें लैरिक एसिड और कैप्रिलिक एसिड होता है जो आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर वायरल से सुरक्षा करता है। नंबर 9, दही। दोस्तों डॉक्टरों का कहना है कि रोजाना दही खाने से आपके शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है। दही मांसपेशियों के खिंचाव में भी आराम पहुंचाता है। दही खाने से वर्कआउट के बाद रिकवरी बहुत ही तेजी से होती है। दोस्तों बात करें नंबर 10 की तो इसमें हम लोग बात करेंगे ग्रीन टी की। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ग्रीन टी बहुत कारगर है। इससे शरीर के विषैले तत्व को बाहर निकालती है। इसके अलावा पाचन क्रिया को भी दुरुस्त बनाए रखती है। रोजाना ग्रीन टी सेवन करने से आपका इम्यून सिस्टम काफी स्ट्रांग हो जाता है। तो दोस्तों बताए गए इन 10 चीजों का आप सेवन करते हैं तो आप कोरोना वायरस जैसे घातक बीमारी से आप बच सकते हैं। तो दोस्तों बताएं कि यह वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।